हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आज बहुत दिन के बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 7 दिन लेट हूँ ये विश करने के लिए, बट हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा न्यू ईयर एंड ऑल द थिंग्स। बट बैड लक कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं काम में बिजी था, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया कि पूरे गैदरिंग के वीडियोस में आपको अपलोड कर रहा था। उसके बीच में कुछ और स्कूल्स के गैदरिंग्स की प्रैक्टिस चल रही थी, हाँ, लेकिन वहाँ पे इतने सारे वीडियोस नहीं बनाए ताकि आपको बोर हो जाए। अभी जो बनाए थे KACF के, आपके सामने मैंने दे दिए, आपके सामने रखा है मैंने, आपको दिखाया मैंने। तो आई होप कि आपने वो सब एंजॉय कर लिया होगा, और बोर किया मैंने ज़्यादा वीडियोस दिखा के, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए या व्लॉग करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था। पूरा दिन पूरे समय में सिर्फ प्रैक्टिस में बिजी था। पहले तो स्कूल्स में जाना, फिर भाग के यहाँ पे आना, यहाँ से किसी और स्कूल में जाना, वहाँ से फिर ये सब पूरा महीना चलता रहा। लास्ट के 2 हफ्ते मतलब पूरा पैक ही था मैं। बट होपफुली द बेस्ट आई हैव गिवन अभी तक। यहाँ पे स्कूल में मैंने फर्स्ट टाइम मतलब बारामती के आसपास जो भी स्कूल्स है वहाँ पे मैंने इस तरह से शो नहीं किया था जो मैंने अभी किया। मैंने ट्राई किया 9 इमोशंस को प्रॉपर एक एग्जीक्यूट स्टोरी में डालने की कोशिश की और उसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की मैंने स्टोरी के थ्रू। उसमें मैं सक्सेसफुल रहा, बहुत हद तक मैंने सक्सेसफुल रहा। आई थिंक किसी ने कुछ बोला नहीं कि गंदा हुआ है, बट ये कंसेप्ट मैंने कुछ नया ट्राई किया था। अपना तो फंडा ही है ना कि हर समय कुछ नया करने का, तो उसी हिसाब से मैंने किया। तो ये वीडियो जब आप देख रहे होगे ना, तो आप जाके कोरियोग्राफर्स डांस इंस्टीट्यूट चैनल चेकआउट कर लीजिए। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइमिंग है 12:08 मतलब 12:08 हो चुके हैं। 7 जनवरी 2023 में हम पहली बार बात कर रहे हैं इस तरह से। तो ये मैं वीडियो आज शाम तक रिलीज करने वाला हूँ, 9 इमोशन वाला। तो जब तक आपके पास वीडियो आएगा तब तक वो रिलीज हो चुका होगा, आप कोरियोग्राफर्स डांस इंस्टीट्यूट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कि आपको किस तरह से क्या लग रहा है। आपके जो भी फीडबैक्स है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे देना। एंड उसके अलावा मैंने अभी और एक काम लिया है, वो बिकोबा नगर का है, वहां पे भी इसी तरह की कुछ प्रोसेस करने वाला हूँ, लेकिन थीम अलग है, कंसेप्ट यही रहने वाली है। 9 इमोशंस नहीं है, यहाँ पे मैंने 9 इमोशंस को पकड़ के कुछ स्टोरी मैंने खुद लिखी थी, उसको पूरा एग्जीक्यूट मैंने मेरे तरफ से किया जो भी मैं दे सकता था। तो दैट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट एज एन डायरेक्टर, एज द डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर। डायलॉग्स मैंने नहीं लिखे थे, वहाँ के मैम ने मुझे हेल्प की लिखने के लिए, मैंने बताया था कि मुझे किस तरह से चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी। बैड लक ये था कि मुझे वो शूट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। जो भी था मैंने आपको दे दिया है अपने व्लॉग्स चैनल पे, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखा होगा तो, कि मैं किस तरह से एक्टिंग करके बता रहा था, डांस किस तरह से कर रहा था, या फिर स्टोरी किस तरह से की। तो वो सब मेरे पास जो भी रिकॉर्डेड मटेरियल था मैंने आपको दे दिया है। तो ये ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने सॉरी बोला, जो भी था वो आपके पास है। बट हाँ, ये पूरे कंसेप्ट मुझे एग्जीक्यूट करने में मुझे विशाखा मैम ने तो हेल्प की, बट जो KACF के प्रिंसिपल मैम थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने जैसे भी उनको बोला कि मुझे इस तरह से करना है, शी हेल्प मी आउट, या यू कैन डू इट। तो ये सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सपोर्ट चाहिए एज एन कोरियोग्राफर, एज द डायरेक्टर। वी नीड द फ्रीडम इन आवर स्पेस। वही मैं पिछली बार बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे चूज करने दीजिए ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ और थोपिए मत। और थैंक्स टू नाजनीन मैम, I would like to mention the name of the principal, because of her the program was done as per I was thinking. So, thank you ma'am and great salute to your thoughts and support, thank you so much. बाकी अपने CDI team के members तो थे ही थे, अमित था,
अवनी भी आई थी बीच बीच में, तो शुरुआत अवनी से ही करते, तो थैंक यू अवनी, थैंक यू अमित, देन स्निग्धा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ विशाखा मैम। एंड लास्ट में खुद को ही थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ सोचता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं, तो थैंक यू। तो ये सब करना चाहिए फायदे, तो ये सब आप भी खुद को थैंक यू बोलना सीख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हुआ, उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि व्लॉग करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर लूंगा मैं, तो ये जो मेरे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग थे बिहाइंड द सीन्स के, वो नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ मैं उसी पे जो वीडियोस है उसको शॉर्ट लिस्ट करके, जो भी मेरे पास दिखाने लायक मटेरियल है तो वो सब आपको दिखा दूं, और उसी वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सोच रहा था कि मैं 1 तारीख को ये व्लॉग इस तरह से बात करते हुए आपको अपलोड कर दूं, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतने सारा फोटेज मेरे पास बैकलॉग में था, तो मैंने वो सब ख़त्म कर दिया। कल 8 तारीख है, आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख को ये रिकॉर्ड हो रहा है, कल 8 तारीख को ये मिल जाएगा। अभी पता नहीं, इसके बाद अगर दिन में कुछ मैं रिकॉर्ड करूँ तो वो अलग व्लॉग बनेगा, लेकिन इसका सेपरेट व्लॉग बना के आपको देने वाला हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कल 8th of January है, तो आई एम गोइंग टू डू वन शूट, आउटडोर शूट है, तो उसी सिलसिले में हम बाहर जाने वाले, तो मटेरियल तो अच्छा मिलने वाला है आपको। होपफुली मुझे जो चाहिए वो वेदर मुझे मिले, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो पूरा हिल है, जहाँ पे पहाड़ों के ऊपर शूट करने वाला हूँ मैं, तो आपको वो सब देखने को मिलेगा। बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस कि मुझे वेदर जो आज अभी मुझे दिख रहा है तो बेस्ट है, ज़्यादा सनी नहीं है, ज़्यादा क्लाउडी नहीं है, और मोस्टली कूल है। ज़्यादा गर्मी होती है ना तो शूट करने में बहुत तकलीफ होती है, और ट्राई करने वाला हूँ कि मैं खुद वो वीडियो में परफॉर्म करूँ, डायरेक्ट भी मैं करने वाला हूँ और वीडियो में परफॉर्म भी मैं करने वाला हूँ, तो ये सब बहुत ज़्यादा होने वाला है ब्लंडर, कि अगर कुछ भी ज़रा सा भी 19-20 हो गया ना ऊपर नीचे, तो पूरा वीडियो सत्यानाशा हो जाएगा वीडियो का। तो होपफुली मैं अच्छा करूं, तो मुझे ब्लेसिंग्स दे दीजिए। तब तक आप, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मेरा शूट चालू होने वाला है, तो जैसे ही आपने ये वीडियो देख लिया ना, प्लीज़ मेरे लिए प्ले करना स्टार्ट कर दीजिए, मेरा वीडियो अच्छे से वहाँ पे शूट हो जाए, ताकि आपको कोरियोग्राफर्स डांस इंस्टीट्यूट चैनल पे कुछ अलग देखने को मजा आ जाए। कुछ अलग मतलब ज़्यादा कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक्टिंग भी सिखाता हूँ, मैं डांस भी सिखाता हूँ, फिल्म्स डायरेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सब मिला जुला के जो भी मेरे पास है वो मैं उसमें डालने वाला हूँ। तो शायद महीने में 3-4 वीडियोस आ सकते हैं, आई डोंट नो ये सच होगा क्या नहीं होगा, आई कांट प्रॉमिस, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 4 या 5 वीडियोस डाल दूँ। हमेशा की तरह कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपका सपोर्ट चाहिए। तो फिलहाल तो ये मैं व्लॉग यही एंड करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग ने मुझे मिस किया होगा, मैं बात नहीं कर रहा था आपसे, और आज भी बात कर रहा हूँ तो इस तरह से कर रहा हूँ। हाँ, दोपहर के बाद मेरी प्रैक्टिस है, कल के शूट की बैचेस है, तो जो भी होगा मैं आपको उसके बिहाइंड द सीन्स बना के अच्छे से दिखा दूंगा, दिखाने की कोशिश करूँगा। गाइज इस नोट पे मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। पता है थोड़ा छोटा है और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, कुछ क्या कुछ भी नहीं दिखाया मैंने, इस तरह से बात किया है मैंने। तो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड अगर ये अपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विद वॉचिंग PC Vlogs। बाय बाय।